नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 जिनका एग्ज़ाम एक साथ ही हुआ था 4 जनवरी 2022 को, तो इस प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न पे डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि अगला जो हमारा नेट जीआरएफ है वो अच्छा हो सके और नेट जीआरएफ हम क्लियर कर सकें। तो पहले चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर एक से कि नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, इन परिप्रेक्ष्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आजकल नारीवादी आंदोलन से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो अभी अक्टूबर 2022 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था नारीवादी आंदोलन से, और इसमें भी आया है। तो ये हमें सही क्रम बताना है नारीवादी आंदोलन का। तो सबसे पहले आया था उदारवादी नारीवादी आंदोलन, फिर मार्क्सवादी नारीवादी आंदोलन, फिर उग्र नारीवादी आंदोलन, ये तीसरी स्टेज थी, फिर ब्लैक फेमिनिज्म यानी अश्वेत नारीवाद, और अब चल रहा है पांचवें नंबर पर उत्तराधुनिक नारीवाद। अगला प्रश्न है कि विभिन्न ये दिवस दिए गए हैं, हमें इनको सही क्रम में व्यवस्थित रूप से करना है, इनका सही क्रम बताना है। तो नंबर एक विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। तीसरा पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को, यानी मार्च अप्रैल जून ये तीनों एक क्रम में। विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो ए बी सी ई डी, डी अंत में आएगा, ई उससे पहले आ जाएगा, जुलाई और सितंबर। अगला प्रश्न है कि कार्ड स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक एवं गुणात्मक चरों के बीच संबंध को किन सत्रों पर महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी त्रुटि है वो कहाँ तक स्वीकार्य है? तो 1%, 2%, 3% और 4% इससे आगे स्वीकार्य नहीं है। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ऑप्शन ए में सही है। आगे है कि इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों में निम्नलिखित चार प्रकार विकसित किए गए हैं। तो ये देखो, इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी की चर्चा की थी और उसमें उन्होंने विद्यालयों के प्रकारों पे चर्चा की है। तो इस पे हम देखें कि उन्होंने कौन कौन से चार मूल प्रकार बताए थे। तो इन्होंने अभिभावकीय परिचर्चा का प्रावधान बताया है, वर्तिक भूमिकाओं के लोगों का वितरण इन्होंने बताया है, सी ऑप्शन है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, और डी बताया है समानता को बढ़ावा एवं व्यक्तिक सृजनात्मकता का विकास करना। तो ये डी है वो नहीं बताया है, बाकी 1, 2, 3, 4 इन्होंने बताए हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए बी सी और ई। आगे है कि बहु नरजातीय समाज में नरजातीय एकीकरण के कौन से तीन प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया जाता है, यानी एकीकरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सहायक है। तो एकीकरण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक है? एक आत्मसात्मीकरण सहायक है, पर संस्कृतिकरण नहीं है। दूसरा सलाद कटोरी प्रारूप, ये एक नई अवधारणा विकसित हुई है, इसको बोलते हैं सलाद बाउल मॉडल। इसमें क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, प्रजाति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच में पूर्णतया एकीकरण नहीं होता है। तो भारत को क्या कहा जाता है? सलाद बाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग हैं लेकिन वो समुदाय और संस्कृति के लोग हैं, तो अलग अलग रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन एकीकरण नहीं हुआ है। तो बी सही हो जाएगा। डी है घरिया, घरिया तो पता नहीं कहाँ से नाराए हैं ये। मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट का अर्थ होता है कि विभिन्न विचारों एवं संस्कृति के लोग मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, यानी एकीकृत हो जाते हैं, और सांस्कृतिक बहुल बात तो एकीकरण की है ही है। तो बी
BDE ये सही ऑप्शन है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ये डी में हमें मिल रहा है, अंतिम ऑप्शन है ना BDE, तो ये सही है। आगे है 1435 क्वेश्चन आईडी है, इसमें क्या पूछा गया है कि किन समाजशास्त्रियों ने विनियम सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो मिलोवंस्की, रेड क्लिफ, ब्राउन और पार्सन्स, इन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया। पीएम बलाऊ और जी होमन्स ने विनियम सिद्धांत दिया, यानी बी और डी एक ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा, बलाऊ और होम्स ने दिया, एक नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। आगे है कि कभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, कभी सच अत्यंत सामाजिक समूह के स्वार्थ एवं प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, ये किनका मत है, ये मत है वो किनका है। तो ये है कार्ल मेनहेम का, किनका है, कार्ल मेनहेम का है। ये मॉडर्न थिंकर है, तो इनको हम पढ़ेंगे जब इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे है क्वेश्चन आईडी 1409, वो कहती है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि प्रतीकात्मक नर विज्ञान का किलफोर्ड गिट्स का फ्रेमवर्क स्वीकार करता है, ये जो फ्रेमवर्क है वो किसको स्वीकार करता है। तो गैर सांकेतिक संस्कृति की अवधारणा को नहीं करता है, जन अभिप्राय निर्मित करने में प्रतीकों की भूमिका का प्रमुख स्थान है इसके अंदर, सी सांस्कृतिक विश्लेषण का प्रायोगिक आधार पर नहीं करता है, और डी का करता है सांकेतिक प्रारूप जिनके माध्यम से मनुष्य जीवन के बारे में अपने ज्ञान एवं उनके प्रति अपना मनोवृत्ति व्यक्त एवं कायम करते हैं, विकसित करते हैं। और ई भी है प्रत्येक संस्कृति के निर्देशक प्रतीकों की व्याख्या करने की नर जातियों की भूमिका है। तो आजकल नए नए प्रश्न आ रहे हैं, जैसे जैसे नेट आगे बढ़ता जा रहा है उसका डिफिकल्ट लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो हमें काफ़ी कुछ और अधिक पढ़ने की और जो नए विचार आ रहे हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता है। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही आ रहे हैं, तो बीच बीच में प्रश्न है वो इजी आ रहे हैं, लेकिन सारे प्रश्न है वो इजी नहीं आ रहे हैं। तो हम 50% तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लाने के लिए हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अगली अवधारणा है प्लास्टिक कामुकता, सॉरी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी, तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा है वो एंथनी गिडेंस ने दी है। यहाँ पे अगर गिडेंस के स्थान पे माइकल फुको आता तो भी ऑप्शन हमारा सही होता। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान हमें करना है, ए का बी के साथ मिलान करना है। तो ए है राधा कमल मुखर्जी, तो उन्होंने दी है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। दूसरा है जीएस गुरिये, तो जीएस गुरिये की पुस्तक है सोशल टेंशन इन इंडिया। और सी है अम्बेडकर जी ने बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स को अपने विचारों में शामिल किया है, और एम एन श्रीनिवास की है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, तो ये इनका सही मिलान है वो हो गया है। आगे है कि कथन एक और कथन दो के बारे में हमें विचार रखने हैं। कथन एक है भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अवधारणाओं तथा उपागमों को संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी भारत में सामाजिक परिवर्तनों को संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। और संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग एम एन श्रीनिवास ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया था, तो ये यहाँ पे गलत है। ये संस्कृतिकरण है वो क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा, क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो है वो सही नहीं है। आगे है कि जो भारत में 2020 का जो सर्वेक्षण हुआ था स्वच्छता का, उनमें दो शहर सर्वाधिक स्वच्छ माने गए थे, तो
तो देखो जब स्वच्छता की बात आती है तो मध्य प्रदेश का इंदौर हमेशा नंबर वन रहा है, हमेशा नंबर वन स्थान किसका आता है, इंदौर का आता है। और इसमें साथ साथ में अब कौन सा दूसरे नंबर पे कौन रहा है, दूसरे नंबर पे सूरत रहा है। कौन सा रहा है, सूरत रहा है, यानी बी और डी सही ऑप्शन है। तो बी और डी है वो सही ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहे, बी सॉरी डी में दिखाई दे रहे हैं। आगे है कि किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है। तो सही ऑप्शन होगा माइक ओ डोनेल, क्या होगा माइक ओ डोनेल इसका सही आंसर होगा। आगे है कि निम्न में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी, जातियों के बीच में बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार पे कार्य नहीं किया है, किस एक ने इन पे कार्य नहीं किया, किस पे जजमानी प्रथा पर कार्य नहीं किया है। तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, वाइजर ने किया है, ईश्वर ने किया है, ओपलर ने किया है, एससी दुबे ने किया है, जजमानी प्रथा की बात की है, के गोफ ने नहीं किया, किसने नहीं किया, कैथलीन गोफ ने नहीं किया है। आगे है क्वेश्चन आईडी 1411, देख लेते हैं क्या कहते हैं कि जीएस गुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्न में से किस विशेषता पे जोर नहीं दिया है। तो किस व्यवस्था पे जोर नहीं दिया इन्होंने, तो इन्होंने छह विशेषताएं बताई थी, उन छह विशेषताओं को हमें शामिल करना है। तो खंडीय विभाजन बताया था, उत्क्रम यानी संस्तरण व्यवस्था है ये बताई थी, खुली व्यवस्था नहीं है ये बात वो हजम नहीं हो रही है, ना ही अर्जित है, और पवित्रता और अपवित्रता की बात इन्होंने कही है। तो सी और डी पे जोर इन्होंने नहीं दिया है, ये जाति की विशेषता है ही नहीं। आगे है क्वेश्चन आईडी 1440, ये क्या कहते हैं, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं और दो कथन में से हमें पहचान करनी है। कथन एक है कि सूझ के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुविधा पारगम्य नहीं होता है, ये नहीं देखकर इन्होंने क्या कर लिया, गलत है, यहाँ क्या होगा पारगम्य होती है। तो कथन एक है वो हमारा गलत है। और दो है कि सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता एवं पूर्व परिचितता के अंतर्गत सांचे के भीतर बनती है, तो ये दूसरा कथन है वो क्या है सही है। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है फिर हमें मिलान करना है, सूची ए के साथ सूची बी का मिलान करना है। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ ये हम जानते हैं, ये किन की है, जी एस गुरिये की अवधारणा है। रिलीजन लाइफ कुरुक सोसाइटी, ये एम एन श्रीनिवास की है। साइंस ऑफ कल्चर, साइंस ऑफ कल्चर है ये लेस्ली वाइट की है। द नेचर ऑफ कल्चर ये किन की है, ये करोबर की अवधारणा है। आगे है कि अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें गलत क्या है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है आर न्यूरबर्थ ने, किसने कहा आर न्यूरबर्थ ने, ये सभी के सभी नगरीय समाजशास्त्री हैं। और आर न्यूरबर्थ ने कहा कि खाली जमीन पे अगर बेघर लोग रह लेते हैं तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आगे है कि हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में बताएं, तो ये तो आप बता ही दोगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो देखो बीच बीच में इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं होता है, पेपर बनाने वालों को पता होता है कि इतना मुश्किल दे दिया तो फिर मेरिट है वो बहुत लो चली जाएगी, इसलिए बीच बीच में वो पर्सन है वो देते रहते हैं।
इजी इजी प्रश्न है वो देते रहते हैं। आगे है कि माइकल फुको ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया है, माइकल फुको ने है वो किस अवधारणा का प्रयोग किया है और किसका नहीं किया है। शासनीयता एवं जैव राजनीति, इसकी चर्चा इन्होंने की है। राजनीति और जीवन संसार, बायो पॉलिटिकल एंड लाइफ बर्ड, तो लाइफ बर्ड की इन्होंने बात नहीं की है। और प्रभुता एवं अनुशासन की बात इन्होंने की है। डिसिप्लिन पे काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, तो आर्कियोलॉजी पे लिखा है, डिस्कोर्स ऑफ सॉलिडिटी पे नहीं लिखा है। तो सही ऑप्शन होगा ए और सी, क्या हो जाएगा ए और सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है वो हमारा इसका सही आंसर है। आगे है फिर हमें बताना है कि संरचनात्मक संकेत विज्ञान स्ट्रक्चरल सेमिओटिक्स में किसका समावेश होता है और किसका समावेश है वो नहीं होता है। तो पाठ के पीछे या नीचे देखता है ताकि निहित संगठन का पता लगाया जा सकता है। ये डेरिंडा से संबंधित अवधारणा है। तो इसमें संहिता एवं परिपाटी में यथा अभिभूत संप्रकार्यता का पता लगाना, इसका संबंध मुख्यतः पाठ्यगत संगठन से है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी। तो ए बी सी किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें सी ऑप्शन में दिखाई है वो दे रहे हैं। आगे है बताना है कि पी एच कोलिंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है, किन की चर्चा है वो नहीं की गई है। तो एक व्यक्ति परिवार यानी सिंगल फैमिली की बात की गई है, उप एकांकी परिवार की बात की गई है, न्यूक्लियर फैमिली की बात है वो की गई है, किशोर परिवार की बात है वो नहीं की गई है, और ना ही एकांकी परिवार अनुपूरक सब न्यूक्लियर फैमिली अनुपूरक उप एकांकी परिवार की बात नहीं की गई, एकल परिवारों की बात की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी और डी। सॉरी मैं यहाँ आपसे माफी चाहूँगा, सी और ई इसके सही आंसर है। हाँ सी और ई, किन की चर्चा नहीं की गई है, तो किशोर परिवार और एकल परिवार की चर्चा है वो नहीं की गई है। आगे है दुर्खिम के निम्नलिखित पुस्तकों को हमें सही काल क्रम के अनुसार लिखना है। तो इनकी पहली पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दूसरी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फिर सुसाइड, फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, फिर मॉरल एजुकेशन। तो ये इनका सही क्रम है। आगे है मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है, मेगा सिटी। तो मेगा सिटी है वो हम किसे कहते हैं, तो मेगा सिटी की अगर हम बात करें तो जिनकी आबादी 10 मिलियन यानी 1 अरब से अधिक होती है उनको मेघालय सिटी के तौर पे देखा जाता है। किनको कहते हैं, जिनकी आबादी 1 अरब से अधिक होती है उनको हम मेगा सिटी के तौर पे जानते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 11 में 50 करोड़ की आबादी वाले को भी मेगा सिटी कहा गया है। आगे है छोटा नागपुर के मुंडा एवं ओराव जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं और अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के अंतर्गत वो आते हैं, तो किस भाषा समूह के अंदर आते हैं। तो ये आस्ट्रिक मुंडा है वो आस्ट्रिक भाषा से संबंधित है, और ओराव है वो द्रविड़ भाषा समूह से। तो ऑप्शन ए किसका सही आंसर हो जाएगा, आस्ट्रिक एवं द्रविड़ भाषा समूह। आगे है उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्यूलन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में
जोड़ने वाले के रूप में देखा है। तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं वैश्विक गांव। क्या कहते हैं? वैश्विक गांव। वैश्विक गांव की अवधारणा किसने दी है? ये मार्शल मैक्यूहल ने दी है। किन्होंने दी है? मार्शल मैक्यूहल ने दी है। आगे है कि सूची ए का सूची बी के साथ हमें मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ हमें मिलान करना है। रॉबर्ट मिलर्स ने क्या कहा है? अल्पतंत्र का बड़ा कानून, अल्पतंत्र का बड़ा कानून। ल्यूकस ने क्या कहा है? मानव अभिकरण एजेंसी के रूप में। गिडेंस ने क्या कहा है? शक्ति की निर्भरता के रूप में। माइकल फुको ने क्या कहा है कि प्रमुख एक रूप में शक्ति। इनको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब इन पे ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो कोई ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ हमें है वो मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो सर्वहारा की अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी, ये हम जानते हैं। पूंजीवाद को एक विचारधारा के रूप में मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। श्रम का विभाजन है वो इमाइल दुर्खिम ने किया। जजमानी प्रथा की बात है वो विलियम बाइजर ने की है। आगे है कि डाउन जोसेफ अर्थर डी गोबी डीन निम्नलिखित में से किस विषय पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने नक्सलवाद पे काफ़ी लिखा है। किस पे लिखा है? नक्सलवाद पे इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। आगे है कि किस शक्ति किस पर प्रभुत्व करती है, शक्ति है वो किस पर प्रभुत्व करती है? तो आज्ञाकारिता और दूसरा ऑप्शन आएगा अधीनता। आज्ञाकारिता और अधीनता पे वो कार्य करती है, प्रसिद्धिकरण पे शक्ति है वो नहीं करती है कार्य। आगे है कि किस बराए व्यक्ति पर संदेह करना है कि जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रश्न इजी सा है, ये पूछ रहे हैं कि अपने संस्कृति के आधार पे अन्य की संस्कृति का अवलोकन करना क्या कहलाता है? नर जाति केंद्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नर जाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म। आगे है कि किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? तो द्वंद्वात्मक प्रारूप पे बल है वो किसने दिया? रामकृष्ण मुखर्जी ने दिया। किसने दिया? रामकृष्ण मुखर्जी ने बल दिया है। आगे है जाति वर्ग एवं शक्ति। आंध्र बेतई अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर का अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है? प्रश्न यहां बनता है किस गांव का अध्ययन किया है? तो सिरीपुरम गांव का अध्ययन किया है। तमिलनाडु के अंदर सिरीपुरम गांव है, उसका अध्ययन इन्होंने किया है, जिसको हम ग्रामीण अध्ययन के दौरान पढ़ चुके हैं। आगे है उस विशिष्ट प्रणाली, आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंध सहित उत्पादन रूपों से जुड़ी हुई होती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे उत्पादन की प्रणाली कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई अवधारणा है। थोड़ी सी हिंदी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लैंग्वेज टफ हो जाती है, यही लैंग्वेज बड़ी इजी है। किस भाषा के अंदर? अंग्रेजी के अंदर। तो धीरे धीरे हम अंग्रेजी को पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास है वो नहीं बचता है। आगे सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश एवं आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझाने के लिए किसने किया है? तो इब्न खालदून ने। किसने किया? इब्न खालदून ने किया है। आगे है कि ये फिर वही आ जाता है डेरिंडा से संबंधित। पाठक प्रमुख कोड एवं परिपाटियों की स्वीकार करता है, परंतु वह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में किस में प्रश्न कर सकता है? संबंधित पठन की पहचान कीजिए। तो ये किस प्रकार का पठन है?
तो ये वार्तालाप की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? वार्तालाप की यहाँ बात है वो की जा रही है। डेरिंडा को पढ़ेंगे तब हम इन पे चर्चा करेंगे। आगे है, दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि लोकतंत्र लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि एक व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु इस राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तथा प्राय हर जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाइयां आ रही है। तो ये कथन है वो सही है। और दूसरा है, इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है अथवा जिस विधि से इसके कार्यकरण को सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है, उसमें छल योजना का उपयोग हुआ है। तो दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आगे है कि अध्ययन की वस्तु की विशेषताओं एवं गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस टर्म का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं अवधारणा। तो किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अवधारणात्मक रूप से हम समाजों को विकसित करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक टीचर, तो टीचर एक अवधारणा के रूप में विकसित हो गई है, आपके दिमाग में आ जाता है कि एक ये परिस्थिति है। मैसूर गांव के बागाला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये है इप्सटीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इप्सटीन के द्वारा किया गया है। मिथ एंड मीनिंग के लक्ष्य कौन है? तो मिथ की बात है वो क्या, कौन करते हैं? लेवी स्ट्रास करते हैं। कौन करते हैं? लेवी स्ट्रास करते हैं। आगे है कि श्रीनिवास से संबंधित नहीं है, जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण। दूसरा है जाति का फील्ड दृष्टिकोण। तो फील्ड दृष्टिकोण तो इनसे ही संबंधित है। आगे है जाति की प्रकार्यात्मक एकता। तो ये तीन ऑप्शन है वो दिए गए हैं, तो इनमें से हमें सही का करना है, सॉरी संबंधित नहीं है। तो ये जो है केवल एक संबंधित नहीं है, दोनों इससे से संबंधित है, यानी फील्ड सर्वेक्षण किया है और जाति की प्रकार्यात्मक एकता की चर्चा इन्होंने की है। थोड़ा सा ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, इस पे एक्सप्लेन करने में और समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, हम इसके अभी वो एबिचुअल नहीं हुए हैं। आगे है कि रॉबिन कोहन ने डायस पोरा के निम्नलिखित किस श्रेणी की है वो वकालत की है? तो किस श्रेणी की वकालत इन्होंने की है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पीड़ित साम्राज्यिक और शरम संस्कृति समुदाय। तो इसमें समुदाय की चर्चा है वो नहीं करते हैं, बाकी चारों की ए बी सी डी की वकालत है वो इनके द्वारा की गई है। आगे है प्रश्न आईडी 1410, हमें रॉबर्टसन से संबंधित अवधारणा को देखना है कि कौन सी अवधारणा है वो रॉबर्टसन से संबंधित है। तो एकरूपता के भीतर अंतर, ये इनकी अवधारणा है। जनसमूह का प्रभाव एवं बलात् सहकेंद्रीकरण, ये इनकी नहीं है। मैकडोनाल्डीकरण इनकी नहीं है। और सहजातीयता और विजातीयता ए और डी इनकी है, ए और डी अवधारणा है वो इनकी है। प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेम वर्क ऑन इंडियन फैक्ट्री, तो ये कल भी हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन आर सेठ। क्या होगा? एन आर सेठ होगा। तो जिसपे हमने कल भी चर्चा की थी कि फैक्ट्री को उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझा है।
आगे है पर्सन आईडी 1423 सूची ए का सूची बी के साथ हमें है वो मिलान करना है। तो सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो सोशल चेंज इनकी अवधारणा है, वैसे तो ओगबर्न ने दी थी, यहाँ पे बिलबर्ट मूर आएगा। क्या आएगा? बिलबर्ट मूर, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, स्मेलसर, द फैमिली, तो द फैमिली है विलियम गुड्डे की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो ट्यूमन की है। किन की है? ट्यूमन की। तो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आगे है बर्नटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बर्नटलैंड जो रिपोर्ट थी उसका क्या शीर्षक था? आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर था उसका शीर्षक। कब आई थी? 1987 के अंदर ये विकसित हुई थी। आगे है 1370 आईडी कि अर्बनलाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अर्बनलाइजेशन एंड फैमिली चेंज है वो पुस्तक किन की है? तो अर्बनलाइजेशन एंड फैमिली चेंज है वो एमएस गोरे की है। किन की है? एमएस गोरे की पुस्तक है। आगे है, बहुत टाइम लगता है, आगे है आर वालिस के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन, विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये किसके साथ संबंधित है? नव धार्मिक आंदोलन से। किससे? नव धार्मिक आंदोलन से है। आगे है कि उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? कहाँ है इसके ऑप्शन? तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सॉरी, ये पर्सन तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। एक और दो, दो और तीन उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये यहाँ पे अपना पर्सन है वो सही नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं, पता नहीं, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे इन्होंने। चलो आगे चलते हैं कि हमें सूची ए के साथ सूची बी का है वो मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, ये पुस्तक इनकी है, ये पुस्तक है जहोदा की। किन की है? जहोदा की है। मेथड इन सोशल रिसर्च, ये गुड्डे एवं हेट की है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये इमाइल दुर्खिम की है। और बची हुई पुस्तक वो है सुलजर और मुल्लर की है। किन की है? सुलजर और मुल्लर की है। आगे है कि उपभोग के समाजशास्त्र के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो भौतिक संस्कृति पे बल, जन संस्कृति पे बल, ये सही है। समानताएं और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ये सही नहीं है। अधिकांश पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव और असमानताएं और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण के उपागम को सी को छोड़कर सारे के सारे सही है। सी को छोड़कर सारे के सारे सही है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित प्रकारवादियों को उनके द्वारा किए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न हम तभी सही कर सकते हैं जब हमें इनकी डीओबी है वो पता हो। अगर डीओबी डेट ऑफ बर्थ की हमें पता नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। तो इनमें देखें तो जो इमाइल दुर्खिम है वो सबसे प्राचीन है, उसके बाद मेलोवंस्की का नंबर आता है, फिर रेडफील्ड ब्राउन का नंबर आता है, फिर टालकट पार्सन्स का नंबर आता है, और सबसे अंत में मर्टन का नंबर आता है। तो ये तो सही हो गया। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ है मिलान हमें करना है। तो मिलान हम इसका कैसे करेंगे? ऑन ओकले, क्या है? ऑन ओकले। तो ऑन ओकले है वो किन की है? द कैप्स्ड बूम, द
केस्ट बूम बी, दो नंबर बी इरविन गोफमैन, तो इरविन गोफमैन टास्क ऑन, सॉरी फॉर्म्स ऑफ टाक, जेन किक्स है वह सोशल आइडेंटिटी से, और बालबी है वो द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म से। ये देखो बहुत सारे मॉडर्न थिंकर्स आ रहे हैं जो सिलेबस के एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं, इस वजह से मेरिट है वो काफ़ी डाउन चली जाती है, लेकिन मेहनत है वो अपनी बेकार जाती है, मेहनत करके जाते हैं और पर्सन है फिर और कुछ आ जाते हैं। आगे है कि मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से चार संस्थागत मजबूरियां हैं, चार संस्थागत मजबूरियां हैं, तो सार्वभौमवाद, विशिष्टाकरणवाद, विशिष्टाकरणवाद नहीं है, विशिष्टाकरण पार्टिकुलिज्म नहीं है, बाकी सार्वभौमवाद, साम्यवाद, अभिरुचि, संगठित संशयवाद, ये संस्थागत मजबूरियां है। ये प्रश्न हमारा रह गया था जब हमने मर्टन के बारे में पढ़ा। आगे है प्राइवेट एवं लाइव्स एंड पब्लिक सर्विसाज के लेखक कौन हैं, प्राइवेट लॉन्स एंड सर्विसाज लॉन्ज के लेखक कौन हैं, तो जेम्स रूल है, कौन है, जेम्स रूल। आगे है कि ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो हालवे के द्वारा लिखी गई है, ए हालवे के द्वारा लिखी गई है ह्यूमन इकोलॉजी। कल हमने सेट का पेपर हल किया था और आज हम नेट का हल कर रहे हैं, तो अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हो कि डिफिकल्ट लेवल है वो कितना हाई है, किसका ही है, नेट का ही है, सेट का बहुत इजी होता है। आगे है कि पिप्पा नोरिस के अनुसार अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइडन में तीन कौन से भिन्न पहलू हैं, कौन से तीन है भिन्न है वो पहलू हैं, तो देखो डिजिटल डिवाइड होता है कि गांव में नेटवर्क कम रहता है, शहरों में ज़्यादा रहता है, तो इसको डिजिटल डिवाइड है वो कहा गया है, अंकीय विभाजन कहा गया है। तो प्रश्न है कि भिन्न तीन कौन कौन से पहलू है, तो ग्लोबल विभाजन है, ग्लोबल डिवाइड होता है कि कुछ जो विकसित देश हैं उनमें नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, विकासशील देशों में अच्छा नहीं होता है। स्थानीय डिवाइड की बात यहाँ पे नहीं की है इन्होंने, इन्होंने सामाजिक विभाजन की बात की है और लोकतांत्रिक विभाजन की इन्होंने बात की है, आर्थिक डिवाइडेशन की बात इन्होंने नहीं की है। तो इन्होंने तीन किन किन की बात की है, ए सी और डी, ए सी और डी की चर्चा इन्होंने की है, विभिन्न पहलू ये इन्होंने बताए हैं। अब थोड़े ही प्रश्न बच गए। आगे है कि वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसको हम क्या कहते हैं, निगमन पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं, निगमन पद्धति। तो अभी हम जब रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ेंगे तब आगमन और निगमन को भी पढ़ेंगे, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन, सॉरी निगमन। आगे है किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र एवं शांति के क्षेत्र में 2004 का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है, तो किनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, बांगरी बांगरी मथाई को दिया गया है, किनको दिया गया है, बांगरी मथाई को दिया गया है। आगे है निम्न में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के तीन प्रमुख चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान है वो की है, तो किन्होंने की है, टी एच मार्शल ने की है, किन्होंने की है, टी एच मार्शल ने की है। आगे है कि अनुसंधान प्रारूप में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है जिसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है, तो सोशियोलॉजिकल रूल्स, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1892 में ये इनकी पुस्तक है वो महत्वपूर्ण मानी गई है। आगे है संरचनात्मक असमानता,
संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार पे किसने हैबिट्स की अवधारणा का जिसने में मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है, तो ये किनकी है, पियरे बार्दियू की है। ये अवधारणा किनकी है, पियरे बार्दियू की अवधारणा हैबिट्स पे वो काफ़ी चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है, तो विवाह होते हैं तो विवाह के समय कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं, तो ये सारे ही होते हैं, कन्यादान, प्रजातंत्र, विवाह का एक प्रारूप है, और सॉरी प्रजातंत्र विवाह का एक रूप है, तो ये यहाँ पे संस्कारों की बात कर रही है, अनुष्ठान यानी संस्कार, तो प्रजापत्य विवाह का एक प्रकार है, बाकी सारे के सारे ये क्या है, अनुसंधान है यानी संस्कार है, पाणिग्रहण, विवाह, हवन, सप्तपदी, तो ये सारे के सारे इसके हैं, प्रजापत्य एक विवाह का वो प्रकार है। मैनुअल केसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है वो किन से संबंधित है, तो वो नई सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है और नेटवर्क समाज से संबंधित है, वैधिकरण के संकट से वो संबंधित नहीं है। आगे है क्वेश्चन आईडी 1427 है कि निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों को उनके सही कालक्रम में बताना है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में बताना है, तो मुद्रण क्रांति तो मध्यकाल में ही हो चुकी थी, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति आई, फिर हरित क्रांति आई, और अब जैव प्रौद्योगिकी क्रांति आ रही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। आगे है 1412 क्वेश्चन आईडी, निम्नलिखित में से कौन सी इरावते कृवी के कृति नहीं है, तो ये चार दिए गए हैं, चार में से इरावती कर्वे की पुस्तक है वो कौन सी नहीं है, तो हिंदू सोसाइटी इन्होंने लिखी है, युगांता इन्होंने लिखी है, और किनसे ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लिखी है, तो हायरकी की, और ये बी और सी इन्होंने नहीं लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है, बी और सी इन्होंने नहीं लिखी है, यानी सी ऑप्शन है वो सही होगा। किसने कहा था कि एकल विवाह प्रादुर्भ्य पुरुषों एवं महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, तो इस प्रकार की बात कौन करता है, इस प्रकार की बात करता है एंजल्स करता है, कौन करता है, फ्रेडरिक एंजल्स करते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स ने मार्क्स के साथ ही रहे हैं, लेकिन अलग पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। आगे है कि निम्न में से कौन सी दो गैसें वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़कर, ये वैश्विक तीनों ही वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तीनों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ये तो है ही है, क्लोरोफ्लोरो भी है, तो ये पर्सन है वो डिलीट होना चाहिए था। आगे है कि किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं, तो रेडफील्ड ब्राउन ने कहा है, किसने कहा है, रेडफील्ड ब्राउन ने, रेडफील्ड ब्राउन, मिलोवंस्की और नाडेल, ये तीनों को हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर ये इस प्रकार के प्रश्न है वो सही होंगे, ये प्रश्न है वो मैं छोड़ रहा हूँ, काफ़ी लंबा है हमारा, एक साथ में नहीं आ पाएगा। आगे है कि किस विद्वान या विद्वानों ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल है वो नहीं दिया है, तो गोल्डथॉर्प शेरेज ने नहीं दिया है, मूरे ने दिया है, तो क्या हो जाएगा,
पहला ऑप्शन हो जाएगा ए और बी ने नहीं दिया है। आगे है कि दो कथन हैं, दोनों में से हमें करना है। पहला कथन है, आत्यधिक निर्भरता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना स्वाभाविक चुनौती है, यानी सभी को दूर करना जरूरी है, यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य है। तो ये दोनों कथन सही है, गरीबी को दूर करना जरूरी है, दोनों किसी भी प्रकार की हो, और सतत विकास करना है तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। आगे है, किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक के तौर पे सिंबोल की सिंबोलॉजी सांकेतिक की बात कौन करते हैं? फर्नांडीस डी सोसर करते हैं। कौन करते हैं? सोसर, भाषा विज्ञान, या इन्होंने विशेष चर्चा की है भाषा के ऊपर। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण को उनके सत्र को अवरोही क्रम में आपको है वो बताना है कि किस राज्य में कितना नगरीकरण है। तो इनमें से सर्वाधिक नगरीकरण किस में है? तमिलनाडु के अंदर। देखो साउथ राजस्थान है उनमें सबसे है, फिर गुजरात के अंदर है, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण जनसंख्या है। अल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव किस रूप में रूपांतरित होता है? तो किस रूप में रूपांतरित होता है ये हमें बताना है। तो एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर, एक स्थापित समाज से अनुकूली समाज की ओर होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे है, लेव स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया है। इन सभी बातों को जांच के लिए किस पे किए उन्होंने? नातेदारी, किनशिप पे इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, तो किनशिप यहाँ से ही आंसर होगा। फिर हमें सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। तो सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। जे डब्ल्यू विट, तो ये है पॉलिसी पावर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास सलम। दूसरा है विनीत मखुजा है स्वेटर्स एंड डेवलपर्स। तीसरा है रॉबर्ट न्यूबिर्थ, ये है शेडो सिटीज से, और एम एस धानेव है सोशियोलॉजी ऑफ स्लम। तो काफ़ी डिफिकल्ट पर्सन है वो आ रहे हैं। आगे है, अगस्त कामटे ने तीन चरण बताए, उनको सही क्रम में बताना है, तो ये तो हम बता ही देंगे। अंग्रेजी शब्दावली इसकी देख लो भाई। पहला है पॉजिटिव, लास्ट है थियोलॉजिकल, पहला है मेटाफिजिक्स फिजिकल, दूसरा है तो धर्मशास्त्री है, तत्वमीमांसी है, और निश्चयात्मक ए सी बी। यदि मामी भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मातुल स्थानिक आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? मातुल स्थानिक आवास कहते हैं। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? कौन है वो सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? सांस्कृतिक अनुकूलन है वो नहीं है, बाकी अन्य क्रांतियों से संपर्क होता है तो सांस्कृतिक बदलाव आता है, क्रांति से आता है, संस्कृति लक्षणों के प्रसार से आता है, अनुकूलन से नहीं आता है। अनुकूलन से तो हम जैसे पहले थे वैसे ही बने रहते हैं। आगे है, कौन से राष्ट्र को कमजोर करने का कारक है? इनमें से कौन सा है वो राष्ट्र को कमजोर करने का कारक है? तो राष्ट्रोत्तर सदस्यता का उत्थान, यानी दूसरे राष्ट्र की अगर हम सदस्यता लेने लगे तो राष्ट्रीयता अपनी कमजोर होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर महत्व बढ़ता है तो राष्ट्रीयता कमजोर होती है। फर्स्ट नेशन इससे नहीं आती है, सुपर नेशनल संस्थाओं की अगर, यानी जो यूएनओ है, विश्व व्यापार संगठन है, अगर इनकी शक्ति बढ़ती है तो भी राष्ट्रीयता कमजोर होती है। शासन की सुगम प्रक्रिया इससे नहीं होती है, इससे नहीं होती है। तो ए बी और डी इसका सही होगा, इनसे कमजोर होती है राष्ट्रीयता की भावना। आगे है,
किसने किसके आधार पर दुर्गम ने व्यवस्थापन वर्गीकरण और व्याख्या करने के विज्ञान होने का दावा है वो किया है? तो बाहरीपन किस पे किया है? बाहरीपन के आधार पे इन्होंने किया है। आगे है, सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। तो ए है सी गिटर्स की है एग्रीकल्चर इनोवेशन, सॉरी मैं थोड़ा ये लेता हूँ, सेकंड नंबर आ जाएगा। दूसरा है अग्रवाल इन्वायरमेंटलिटी से संबंधित है। वी शिवा है वो नंबर एक ऑप्शन से संबंधित है, और कोटेज है वो इंडियस कम्युनिटी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, बी से ही इसका आंसर है। आगे है, बी आर अम्बेडकर की कृतियों को उनके सही कालक्रम में हमें बताना है। किस कालक्रम में बताना है? सही कालक्रम में हमें बताना है। तो इनकी पहली पुस्तक है इनमें से कास्ट इन इंडिया इनकी पहली पुस्तक है। फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हूवर सुदराज है, और चौथे पे अनटचेबिलिट है, हूवर दे एंड व्हाट इज विकेम अनटचेबिलिट्स है। काफ़ी बोरिंग चीज़ है ये, क्वेश्चन को हल करवाना सबसे बोरिंग काम है, और ये तो बहुत हाई लेवल के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो जब बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव को एक समान विशिष्ट परिणामात्मक घटक हो तो उस वर्ग की परिभाषा किसने दी है? तो ये मैक्स वेबर की अवधारणा है। तो 10 से 1 प्रश्न बच गए हैं जो कि ये पैराग्राफ से आते हैं, तो ये हम अभी नहीं कर पाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है और आप भी शायद बोर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है क्वेश्चन पेपरों को हल करना, क्योंकि इनकी मेरिट है वो 60% जाती है, 40% क्वेश्चन है वो गलत होते हैं। चलो फिर भी ठीक है, हमने किया है, आपने इतने प्रेम से मुझे इतनी देर तक झेल लिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।